मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। मैं ना दूध में पत्ती लगाती हूँ, कभी कभी वैसे भी बना लेती हूँ जैसे पानी में चाय पत्ती चीनी डाल के, और मोस्टली मतलब मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। वो तो मेरा कभी कभार का होता है कि हाँ चलो पानी चढ़ा के चाय पत्ती वगैरह डाल के उस तरीके से चाय बनाऊँ, वो मेरा कभी कभी, मैं दूध में ही पत्ती लगाती हूँ। और यार मैं मतलब गांव में मोस्टली इसी तरीके से रहते हैं, पर मेरे हस्बैंड जब भी चाय बनाते हैं वो पानी चढ़ाएंगे, उसमें चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, वो इस तरीके से बनाते हैं। और लोगों के घरों में दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, सामने सफाई चल रही है, वैक्यूम क्लीनर से लेके आए होंगे कहीं से, क्योंकि गाँव में किसके पास वैक्यूम क्लीनर मिलना है। और मतलब मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, पर इनके पास नहीं है इतना मुझे पता है, तो कहीं से लेकर आए हैं ये। तो उसे क्लीनिंग चल रही है, वैक्यूम बड़े वाला वैक्यूम क्लीनर है, उसे क्लीनिंग कर रहा है। तो ये भी आ चुके हैं और मतलब घर पे नहीं आए हैं, स्टेशन से उतर चुके हैं, अब स्टेशन से अब घर आएंगे। तो मैं चाय चढ़ा दी है मैंने, क्योंकि मैंने अभी इन्हीं का कॉल आया था तो कह रहे कि हाँ बस घर पहुँचने वाला है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चाय, क्योंकि मैंने भी सुबह से चाय नहीं पिया, बाकी झाड़ू पोछे का सारा काम हो गया, मशीन कपड़े धोने के लिए लगाऊंगी जब ये आ जाएंगे, क्योंकि इनके भी बैग भर के कपड़े होंगे वो भी वॉश करने हैं, तो मैंने कहा सोचा तभी मशीन लगाऊंगी। और पूजा मैंने कर ली है, बस चाय बनानी है और चाय पीनी है। तो चाय रख दिए बने, तब तक मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ, आटा मांड के रख लेती हूँ रोटी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि लंच वगैरह बनाना होगा और ब्रेकफास्ट भी बनाना होगा। देखिए क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो उस टाइम देखते हैं। तो चलो मैं आटा लगा लेती हूँ। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैं आज बनाने वाली हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी, कुछ यूनिक स्टाइल से बना रही हूँ, आई होप आपको पसंद आए। और क्या पता आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हो, कौन कौन इस तरीके से बनाता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया था, उसमें मैंने जो सोयाबीन भिगो के रखे हुए थे वो फ्राई कर लिए हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, और इनको फ्राई करने के बाद मैं ऑयल में से निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं और ऑयल इसमें नहीं ऐड करूँगी, जो ऑयल इसमें है उसी से मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे जो सोयाबीन की वड़ियाँ थी वो मैंने निकाली हैं। उसके बाद मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाए तो उसके बाद मैं इसमें प्याज, एक प्याज मैंने चॉप करी है, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, और जब ये हमारा कलर, प्याज का कलर चेंज होने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। आप चाहें तो हींग तब भी ऐड कर सकते हैं जब आप जीरा डालते हैं, पर मैं आजकल थोड़ा सा मैंने अलग क्या हुआ है कि जब मैं प्याज ऐड करती हूँ तब मैं इसमें हींग डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है, और देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका है। तो बस सूखे मसाले में मैं यहाँ पे लूँगी हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कई लोगों को तीखा पसंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वांटिटी नहीं बताई है कि मैंने कितनी लाल मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक भी कईयों को तेज पसंद होता है कईयों को कम पसंद होता है। तो सूखे मसाले डालने के बाद मैंने उनको कम से कम 4 से 5 सेकेंड ऐसे ही भूना, फिर उसके बाद मैंने पानी डाल के उसको भूना, और जब उसमें से ऑयल अलग होने लग गया तो फिर मैंने दोबारा से उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके फिर उसे भून रही हूँ, और देखिए फिर से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास दूध की मलाई थी, वो मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ, और मलाई डालने के बाद मैं इसको कंटिन्यू चलाते रहूँगी जब तक इसमें से ना खदका सा उबाल सा आना ना शुरू हो जाए और घी अलग ना होना शुरू हो जाए। तो देखिए मैं अच्छे से इसको कंटिन्यू चला रही हूँ मलाई को, और ये मलाई थोड़ी सी जमी हुई है क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, आप चाहें तो फेंट के भी इसको डाल सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट डाल दिया क्योंकि उसमें जाके ये मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, और कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो वो अपने आप ही फेंट जाती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कर लिया है, और देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। मैं प्लेट से थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, और जब आप कोई भी मलाई से कोई भी रेसिपी बनाते हो तो उसे ढक देते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छे से जो उसका घी होता है बहुत अच्छे से अलग होता है। तो देखिए इसमें से घी कितने अच्छे से अलग हो गया है, और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, और इसको और अच्छे से खदकने दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। आप अगर ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं ज़्यादा ग्रेवी की, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा ही पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे सूखी सी सब्ज़ी बनानी है। बस पानी मैंने उतना ऐड किया है कि जो मेरे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए इसमें पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें आलू और सोयाबीन जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे
वो इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और ढककर इसको छोड़ दूंगी और बीच बीच में इसको चलाते रहूंगी। और जब हमारे आलू गल जाएंगे हमारी सब्जी पक्के तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास हरा धनिया हो आप लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया फ़िलहाल नहीं था सो मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चला दिया है, अब मैं इसको ढक देती हूँ। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। आज के व्लॉग में मैंने वैसे भी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, बस ये एक रेसिपी ही आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। तो ये देखिए हमारी आलू और सोयाबीन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो 8 बजने में है 20 मिनट और खाना वगैरह बन चुका है। मैंने बनाई है आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, फेस को वॉश कर कर आई थी। लिपस्टिक तो मैंने सुबह से ही अप्लाई नहीं किया, सिर्फ लिप बाम अप्लाई किया था और बाकी मैंने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया। और अब तो कुछ भी नहीं है। और आज ना गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों आज गर्मी हो रही है। और बस ये आ चुके हैं, पर ये अभी यहाँ पर नहीं है, नीचे गए हुए हैं। तो जब ये आएंगे तो अब खाना खाएंगे, मुझे भूख लग रही है। मैं एक बार इन्हें कॉल करके पूछती हूँ कि आ जाते हैं तो ठीक है, वरना हम खाना खाते हैं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। मैंने एक रोटी खाई थी सुबह, दोपहर को खाई थी, आई थी 11:30 बजे मैंने एक रोटी खाई थी क्योंकि उस टाइम मुझे भूख नहीं थी तो मैंने एक ही रोटी खाई थी। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे मैंने चाय पी है और अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। और आज मैं इनसे डिस्कस कर रही थी इसके बारे में, मैंने कहा कि आप करा दो, कुछ बात कर लो तो शायद हो जाए, मान जाएँ। तो ये तो मान जाएंगे, जिनसे बात करनी है उनसे मैं कह रही हूँ कि वो मान जाएं तो हम ये काम कर लें। तो बस यही है, डिपेंड है हम पूरी तरीके से, मतलब कुछ करने के लिए किसी पे। तो ये सारी बातें हैं। तो भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो ही गाइस, आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए। और आपको मेरा ये छोटू सा व्लॉग, मैंने ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं किया, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।